નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ, હાઉ આર યુ ઓલ સ્ટુડન્ટ? સેકન્ડ સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ ગ્રામર. ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ અવર ન્યુ ચેપ્ટર, ચેપ્ટર નંબર 39, કોમ્પ્રિહેન્શન 3. ઓન ધ પ્રીવિયસ વિડીયો વી હેડ કમ્પ્લીટેડ ચેપ્ટર નંબર 38, કોમ્પ્રિહેન્શન 2. આઈ હોપ યુ હેડ કમ્પ્લીટેડ ધેટ ચેપ્ટર. ઓકે, સો નાઉ પ્લીઝ ઓપન યોર ગ્રામર, પેજ નંબર 95. આર યુ રેડી? ઓકે. So dear students, today I want to ask you some question. Will you give me the answer? Okay, thank you. तो मैं आपको ये पूछना चाहती थी कि क्या आपको कहीं आउटिंग पे जाने को टाइम मिले, वेकेशन में या फिर हॉलीडेज में, राइट? तो आप कहाँ पे जाना चाहोगे? पिकनिक पे, फिर कहीं इंडिया में घूमना चाहोगे या फिर वर्ल्ड टूर पे जाना चाहोगे क्या? ओके, तो मेरी तो विश ये है कि मैं तो वर्ल्ड टूर पे जाना चाहती हूँ. पता है क्यों? क्योंकि जैसे हम इंडिया में रहते हैं, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं. डू यू नो दैट? यस. जैसे ही इंडिया में भांति भांति के डिफरेंट डिफरेंट इतने सारे कल्चर्स हमने देखे हैं, तो वैसे ही आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर हम जब जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि वहां पे कौन से कल्चर्स होते हैं, क्या उनका पूरा फैमिली के साथ कैसे कैसे वो रहते हैं, राइट? ओके, तो क्या आप मेरे साथ वर्ल्ड टूर पे चलोगे? यस. ओके, तो चलो जाते हैं वर्ल्ड टूर पे. वेट अ मिनट, मैं अभी आती हूँ. ओके, नाउ अवर वर्ल्ड इज हियर. यस. ओके, तो चलो वर्ल्ड टूर पे रेडी हो. ओके, फाइन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ वर्ल्ड. तो यहाँ पे वर्ल्ड, हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज होती है, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट उनकी जो दिनचर्या होती है, शेड्यूल होता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, राइट? तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं तो सिर्फ ऐसे ही मजाक कर रही थी, डोंट बी सीरियस अबाउट दैट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ल्ड है, राइट? इसमें आपको मैं डिटेल में तो नहीं दिखा सकती हूँ, इसमें बहुत ही छोटे छोटे राइटिंग्स है. जब आप स्कूल आओगे तब मैं इसमें एक एक स्टेट, एक एक कंट्री सब दिखाऊंगी, राइट? ओके, तो अभी हम यहाँ पे हमारी वर्ल्ड टूर को साइड में रखते हैं. नेक्स्ट टाइम हम श्योर जाएंगे वर्ल्ड टूर पे. ओके, सो आज का जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 39, कॉम्प्रिहेंशन, इसमें हम फैमिली लाइफ अराउंड द वर्ल्ड, फैमिली की लाइफ कैसी होती है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड में, अराउंड द वर्ल्ड में कैसी कैसी फैमिलीज होती है, इसके बारे में सीखने वाले हैं. इन दिस चैप्टर देयर आर 3 पैराग्राफ्स विच वी हैव टू रीड दैट. तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फैमिलीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है इन डिटेल. वी हैव टू रीड दिस पैसेजेस एंड देन वी हैव टू सॉल्व देयर क्वेश्चन आंसर्स एंड अदर एक्टिविटीज ऑल्सो. ओके, तो देखा बच्चों, हम फिर से हमारे चैप्टर पे पहुंच गए, वर्ल्ड टूर भी हो गई और चैप्टर पे भी आ गए. आर यू रेडी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द चैप्टर. जहाँ यहाँ पे जो पैसेज है वो मैं रीड करती जाती हूँ और एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी. आपको क्या करना है, लिसन केयरफुली. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद फैमिली लाइफ अराउंड द वर्ल्ड. ओके, माय नेम इज आयशा. आई लिव इन कायरो विद माय पेरेंट्स एंड माय टू ब्रदर्स. यहाँ पे जो आपको एक गर्ल दिखाई दे रही है उसका नेम क्या है? आयशा है, जो कायरो में रहती है, इजिप्ट का कैपिटल. इजिप्ट जो होता है ना, इजिप्ट सिटी, आपको पता है ना कंट्री, वहां का कैपिटल है कायरो. वो वहां पे अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और उसके दो भाई है, वो भी उनके साथ रहते हैं, राइट? दे आर ट्विंस, वो ट्विंस है, एंड देयर नेम इज अमल एंड इब्राहिम. क्या नेम है? अमल एंड इब्राहिम, राइट? ओके, तो यहाँ पे जो फैमिलीज के बारे
बताया जाता है वो हर एक चीज आपको याद रखनी है। होप सो क्वेश्चन आंसर्स में इसके क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट? ओके, आई गेट अप अर्ली ऑन द स्कूल डेज पे मैं जल्दी उठती हूँ। माई फादर ऑल्सो गेट्स अप अर्ली, मेरे पापा भी बहुत जल्दी उठते हैं। He works in a bank, so he leaves the house at 7:30. उसके पापा कहाँ पे काम करते हैं? बैंक में काम करते हैं, yes. तो इसीलिए उनको 7:30, it means 7:30 बजे 7:30 को उनको घर छोड़ना पड़ता है, जल्दी जाना पड़ता होगा ना। स्कूल फिनिशेस एट 12:30। मेरी स्कूल यानी कि आयशा की स्कूल कब खत्म होती है? 12:30 यानी कि 12:30 को उसकी स्कूल खत्म हो जाती है। ओके, नाउ आई गो टू द मार्केट विद माय मदर, मैं मार्केट जाती हूँ। इट मीन्स आयशा इज टेलिंग ना, आयशा बोल रही है, आयशा इज टेलिंग दैट कि मैं मेरे मदर के साथ मार्केट जाती हूँ। आई डोंट गो टू स्कूल ऑन फ्राइडे, मैं फ्राइडे को स्कूल नहीं जाती हूँ। एट द वीकेंड आई विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स, वीकेंड्स को वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने जाती है। दे हैव अ शुगर केन फार्म आउटसाइड द सिटी, उनका ग्रैंड पेरेंट्स का कौन सा फार्म है? शुगर केन यानी कि आप गन्ने कहते हो ना, गन्ना, यस, शुगर केन का उनका फार्म है। कहाँ पे है? आउटसाइड द सिटी, सिटी के बाहर है। ओके, आई लव द वीकेंड्स, मुझे वीकेंड्स बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो वो वीकेंड्स में उसके ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने जाते हो और शायद उसे यस शुगर केन का फार्म ज्यादा पसंद होगा। ओके, तो यहाँ पे देखा बच्चों, हमने जो ये पैसेज रीड किया वो सारी पैसेज में फैमिली, आयशा की फैमिली के बारे में आपको बताया गया है। इट मीन्स यू हैव टू रीड केयरफुली। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैसेज इज अबाउट यस मार्था। ओके, माय नेम इज मार्था एंड आई लिव इन मैक्सिको सिटी, इन मैक्सिको, यहाँ पे मैक्सिको सिटी में, यस, जो मैक्सिको में मैक्सिको सिटी है वहां पे कौन रहता है? मार्था। ओके, उसका नेम है गर्ल का। आई लिव विद माय पेरेंट्स, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। माय आंट अंकल कजिन्स लिव ऑन द सेम स्ट्रीट, मेरे अंकल आंटी और मेरे कजिन्स भी सेम स्ट्रीट में रहते हैं। यानी कि जैसे कि आपके जो स्ट्रीट में रहते हो और आपके कजिन्स और अंकल आंटी भी सेम स्ट्रीट में रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे मार्था के कजिन और अंकल आंटी भी सेम स्ट्रीट में रहते हैं। आई गेट अप अबाउट 6:30 इन द मॉर्निंग, वो 6:30 को मॉर्निंग को उठ जाती है। बिकॉज स्कूल स्टार्ट 8:00 को उसकी स्कूल स्टार्ट हो जाती है। द स्कूल बस कम्स एट 7:30, उसकी स्कूल कब आती है? 7:30 यानी कि 7:30 को उसकी स्कूल बस आ जाती है, इसीलिए उसे 6:30 को उठ जाना पड़ता है। आई लव स्कूल बिकॉज आई कैन चैट विद माई फ्रेंड्स एंड डू माई फेवरेट सब्जेक्ट्स आर्ट एंड म्यूजिक, उसे स्कूल बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि स्कूल में वो अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर सकती है, फिर वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट, उसका फेवरेट सब्जेक्ट है आर्ट एंड म्यूजिक, तो वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट स्टडी कर सकती है, इसलिए उसे स्कूल बहुत पसंद है, राइट? ओके, तो यहाँ पे जो हमने ये मैसेज रीड किया वो किसके बारे में था? यस, मैक्सिको सिटी में रहने वाली मार्था के बारे में था। और उसके पहले जो पैराग्राफ था वो आयशा के बारे में था जो कायरो में रहती है, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट पैसेज, लास्ट वन, चलो देखते हैं। माय नेम इज आदिल, ओके, एंड आई लिव इन पेरिस विद माय पेरेंट्स एंड माय लिटिल सिस्टर, यहाँ पे जो गर्ल आपको दिखाई दे रही है वो पेरिस में रहती है, उसका नेम क्या है? यस,
अदेल, अदेल, ओके। अदेल है वो पेरिस में रहती है, अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और उसकी एक छोटी बहन है। हर नेम इज चांतल, चांतल। आई गेट अप 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो अदेल है वो कब उठती है? 7 o'clock को मॉर्निंग को उठ जाती है। एंड हैव अ हॉट चॉकलेट एंड ब्रेड एंड जाम फॉर ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग को वो 7 o'clock को उठ जाती है और उसे हॉट चॉकलेट, हॉट चॉकलेट मिल्क आपको भी पसंद है ना? यस। तो यहाँ पे अजय को भी वो पसंद है, वो ब्रेड जाम ब्रेकफास्ट में खाती है, राइट। माई मॉम वॉक्स टू स्कूल विद मी एंड माई सिस्टर। तो उसकी एक छोटी बहन रहती है, तो उसकी छोटी बहन और उसके साथ उसके मम्मी स्कूल वॉक करके जाते हैं, राइट। आफ्टर स्कूल माई डैड कलेक्ट अस एंड वी गो होम फॉर स्नैक एंड डू टू आवर होमवर्क। तो फिर स्कूल खत्म होने के बाद उसके डैड उसको कलेक्ट करने जाते हैं, माँ से लेते हैं और फिर वो घर आते हैं, स्नैक करते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर अपना होमवर्क करते हैं। यस, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने, हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे 3 पैसेजेस यानी कि फैमिली लाइफ अराउंड द वर्ल्ड के पैसेजेस रीड कर लिए हैं। यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के बारे में पता चला, डिफरेंट कंट्रीज के बारे में पता चला और उनके फैमिली लाइफ स्टाइल के बारे में पता चला, राइट। ओके, तो आज हमने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। ऑन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर, राइट। तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने अच्छे से लिसन किया होगा और घर पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है इस पैसेज को रीड करने की, इसलिए प्लीज यू हैव टू प्रैक्टिस इट, ओके। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।